किसी ने क्या खूब कहा है, सच्चाई के रास्ते पर चलना फायदे की बात होती है क्योंकि इस राह पर भीड़ कम होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी या कहानी से जो सीखेंगे, जीवन में जो भी अच्छे काम करते हैं उसका फल कब मिलता है, तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी जिसका शीर्षक है पुण्य के फल का रहस्य। एक दिन राजा भोज गहरी निंद्रा में सोए हुए थे। उन्हें उनके स्वप्न में एक अत्यंत तेजस्वी वृद्ध पुरुष के दर्शन हुए। राजन ने उनसे पूछा, महात्मन आप कौन हैं? वृद्ध ने कहा, राजन मैं सत्य हूं और तुझे तेरे कार्यों का वास्तविक रूप दिखाने आया। मेरे पीछे पीछे आ जाओ और अपने कार्यों की वास्तविकता को देख लो। राजा भोज उस वृद्ध के पीछे पीछे चल दिए। राजा भोज बहुत दान पुण्य यज्ञ व्रत तीर्थ कथा कीर्तन करते थे। उन्होंने अनेक तालाब मंदिर कुएं बगीचे आदि भी बनवाए थे। राजा के मन में इन कार्यों के कारण अभिमान आ गया था। वृद्ध पुरुष के रूप में आए सत्य ने राजा भोज को अपने साथ उनकी कृतियों के पास ले गए। वहां जैसे ही सत्य ने पेड़ों को छुआ सब एक एक करके सूख गए, बागीचे बंजर भूमि में बदल गए। राजा इतना देखते ही आश्चर्यचकित रह गया। फिर सत्य राजा को मंदिर ले गया। सत्य ने जैसे ही मंदिर को छुआ वह खंडहर में बदल गया। वृद्ध पुरुष ने राजा के यज्ञ तीर्थ कथा पूजन दान आदि के लिए बने स्थानों पर व्यक्तियों चीजों को ज्यों ही छुआ वे सब राख हो गए। राजा यह देखकर विक्षिप्त हो सा हो गया। सत्य ने कहा, राजन यश की इच्छा के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनसे केवल अहंकार की पुष्टि होती है, धर्म का निर्वहन नहीं। सच्ची सद्भावना से निस्वार्थ होकर कर्तव्य भाव से जो कार्य किए जाते हैं उन्हीं का फल पूर्ण रूप से मिलता है और यही पूर्ण फल का रहस्य है। इतना कहकर सत्य अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने निंद्रा टूटने पर गहरा विचार किया और सच्ची भावना से कर्म करना जिसके बल पर उन्हें न सिर्फ यश कीर्ति की प्राप्ति हुई बल्कि उन्होंने बहुत पुण्य भी कमाया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में अहंकार के लिए अपने आप को प्रसिद्धि के लिए काम नहीं करना चाहिए। काम ऐसा करना चाहिए जो कि समाज सेवा से प्रेरित हो और जो दूसरों से लाभकारी हो। दोस्तों, सच्ची है तो है, सिर्फ प्रसिद्धि और आदर पाने के जरिए से किया गया काम पूर्ण नहीं होता। हमने देखा है कई बार लोग सिर्फ अखबारों और न्यूज चैनल्स पर आने के लिए झाड़ू उठा लेते हैं या किसी गरीब बस्ती का दौरा कर लेते हैं। ऐसा करना पुण्य नहीं दे सकता है। असली पुण्य तो हृदय से की गई सेवा से ही उपजता है, फिर वो चाहे हजारों लोगों की गई हो या बस किसी एक व्यक्ति की। तो इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहे इसके लिए प्रेस बेल आइकन।